आपके वार्डरोब का भी ऐसा ही हाल हो जाता है कपड़ों को ठीक से रखने के बाद भी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमरीन्स क्रिएशन। क्या आपके पास भी बड़े बड़े बॉक्सेस हैं कार्डबोर्ड के? तो इनका यूज करके मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजर बनाए हैं और पूरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है एक्सट्रीमली जीरो कॉस्ट में। स्पेशली बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, तो कैसे मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है आज के वीडियो में आप देख पाएंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, अभी जो मेरा वार्डरोब है कुछ ऐसा दिखता है। इसका रीजन है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना होना। तो सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैंने लिया है ये बड़ा सा गीजर का बॉक्स। आप इसकी जगह कोई और बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, बस इसे बीच से कट कर लेना है। उसके बाद ऊपर एंड नीचे बॉक्स को एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड के पीस से पेस्ट करके सिक्योर कर देना है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हो जाए। देन अंदर एंड बाहर साइड गिफ्ट रैपिंग पेपर को पेस्ट कर देना है। अंदर साइड आप कोई भी अच्छा कैरी बैग को कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड कैरी बैग ही पेस्ट किया है। तो इस तरह से ये बनकर रेडी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मेरे पास है ये प्यूरीफायर का बॉक्स। तो इसे भी सेम पहले वाले के जैसे ही बना लेना है। मैं यहाँ जो भी बॉक्स यूज करूँगी, ज़रूरी नहीं है वो आपके पास हो, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनाइजर को लेकर। सारे ऑर्गेनाइजर के लिए मोस्टली मैंने वाइट बैकग्राउंड गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज़ किया है। तो आपके पास जितने भी बड़े बड़े बॉक्सेस हैं उन सब का यूटिलाइज करना आज की वीडियो में आप सीख ही जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैट्रिक्स का बड़ा सा बॉक्स। इससे मैंने 4 ऑर्गेनाइजर बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे 4 सिमिलर पार्ट में कट कर दिया है। आसपास के दोनों कटआउट को इसके बैक साइड से सिक्योर कर देंगे। देन गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैंने कैसे यूज़ किया है आगे आप वीडियो में देख पाएंगे। बीच के दोनों पार्ट कुछ इस तरह से दिखते हैं। एक्चुअली मैंने इसे जो सोच कर कट किया था, लॉजिकली वो सही फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे कुछ इस तरह से कट कर लिया है। एंड दो दो पार्ट को आपस में अटैच करके 2 ऑर्गेनाइजर रेडी कर लिए हैं। तो इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ वाइट चार्ट पेपर यूज़ कर रही हूँ एंड इसके एजेस को गोल्डन गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर कर देंगे। तो अगर आपके पास वाइट चार्ट पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसका फाइनल आउटलुक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स। इसमें साइड के पार्ट को कट कर लेंगे एंड बॉक्स के बीचों बीच इसे पेस्ट करके 2 सेक्शन बना लेंगे। उसके बाद बॉक्स के अनसिक्योर पार्ट को सिक्योर कर देना है एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड की हेल्प से। इस ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला गिफ्ट रैपिंग पेपर। अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल आउटलुक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का बॉक्स, जिससे मैंने बनाए हैं 2 ऑर्गेनाइजर। बीच से इसे कट करने के बाद गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर कर देना है। तो अभी ये बनकर रेडी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैंने लिया है ये कुकटॉप का बॉक्स। 4 पार्ट में मैं इसे कट कर लूँगी। गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। तो मुझे यहाँ 3 की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजर रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला बॉक्स, जिसे मैंने लंबाई में 2 पार्ट में कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड पेस्ट करने के बाद इसके इंटरनल एरिया को वाइट चार्ट पेपर से कवर कर देंगे एंड आउटर विजिबल पार्ट को गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर कर देना है। नेक्स्ट, इसी बॉक्स से मुझे मिले हैं ये हैंडल रिबन। इसको भी मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी। उसके बाद आगे की साइड स्ट्रेंथ देने के लिए एक कार्डबोर्ड के पीस को इसमें इसके अंदर साइड अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये ऑर्गेनाइजर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। 2 की ज़रूरत और थी मुझे, तो मैंने उसी बॉक्स के अंदर वाले पार्ट से ऐसे 2 ऑर्गेनाइजर और रेडी कर लिए कुछ इस तरह से।
तो मैंने यहाँ पर टोटल 16 ऑर्गेनाइजर बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स DIY वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले रखे हैं ये मैंने बड़े वाले 2 ऑर्गेनाइजर। इसको कुछ इस तरह से खड़ा रखना है। इसके ऊपर एक दूसरे के अपोजिट इन दोनों छोटे वाले ऑर्गेनाइजर को प्लेस कर देना है। क्लॉथ्स को अरेंज करने के बाद ये रहा इसका लुक। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने सारी शर्ट्स को रखा है एंड दूसरे वाले ऑर्गेनाइजर्स में मैंने रखे हैं जीन्स एंड ट्राउजर को कुछ इस तरह से रोल करते हुए, जिससे इनको एक्सेस करना इजी हो जाता है। एंड ऊपर वाले में एक साइड में मैंने रखी हैं टी शर्ट्स एंड दूसरे साइड में मैंने रखे हैं लोअर। साइड में जो स्पेस है उसमें मैंने हैंग कर दिए हैं कुछ कोट एंड सेंटर वाले पार्ट को मैंने हैंगर्स के लिए छोड़ रखा था। तो यहाँ पर मैंने सारे हैंग करने वाली चीजें लाइक फॉर्मल पैंट एंड कुर्ताज को हैंग दिया है। चलिए फ्रेंड्स इस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ऑर्गेनाइजर प्लेस कर देंगे, साथ ही साथ ये तीनों ऑर्गेनाइजर को इसमें अरेंज कर देंगे। नीचे रखे हैं मैंने ये वाले दोनों ऑर्गेनाइजर एंड साइड के स्पेस को खाली छोड़ देंगे। तो क्लोथ्स को अरेंज करने के बाद आप देख लीजिए इसका लुक। तो इस पूरे पोर्शन में मैंने अपने दोनों बेटों के क्लोथ्स को अरेंज किया है। दोनों के जीन्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजर में रखा है। यहाँ पर प्लेस की है ये टी शर्ट्स, दोनों के बॉटम वेयर जो कि डेली यूज के हैं सेपरेट सेक्शन में प्लेस किए हैं। नीचे वाले सेक्शन में जितनी भी शर्ट्स हैं उनको प्लेस कर दिया है। देन टी शर्ट्स है दूसरे बेटे की। पीछे साइड भी एक लेयर है टी शर्ट की जो कि रेयरली यूज होती है। अब ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर कभी कभी यूज होने वाले क्लोथ्स वेयर प्लेस कर दिया है। अब ये बीच वाला जो स्पेस है यहाँ प्लेस कर दिए हैं ये वाले ऑर्गेनाइजर्स। 3 मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर को मैं अपनी अलमीरा में यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के एंड बच्चों के अंडरगारमेंट्स एंड सॉक्स को सेपरेट ऑर्गेनाइजर में अरेंज करके रखा है। अब एक बास्केट में मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म को अरेंज करके रख दिया है, जिससे कि बच्चे खुद से ही इन चीजों को इजीली एक्सेस कर पाए। ऑर्गेनाइजर के ऊपर कुछ स्पेस था तो इस टाइप के बॉक्स में भी कुछ क्लॉथ्स वेयर लाइक कुर्ता पजामा एंड जैकेट्स को रख कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं इस पूरी अलमीरा का फाइनल आउटलुक। तो आप देख सकते हैं कितने ही सारे कपड़ों को मैंने इस एक ही अलमीरा में अरेंज करके रख दिया है। ये चलते हैं मेरी अलमीरा की ओर, जिसमें जो डोर हैं स्लाइडिंग वाले हैं। सबसे पहले मैंने प्लेस किया है ये बड़ा वाला ऑर्गेनाइजर, उसके बाद प्लेस किया है ये सबसे बड़ा वाला ऑर्गेनाइजर। इसको मैंने कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। चलिए क्लोथ्स को अरेंज करने के बाद एक बार आप देख लें इसका लुक। तो इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने 2 पार्ट में क्लोथ्स रखे हैं जो कि डेली यूज के हैं एंड डोर को स्लाइड करके दूसरी साइड पर इस ऑर्गेनाइजर में बाहर जाने के टाइम पहनने वाले क्लोथ्स को अरेंज किया है। एंड दोनों ऑर्गेनाइजर के बीच जो स्पेस बच गया था उसमें मैंने पार्टी वेयर सूट्स को प्लेस किया है। ये एक और ऑर्गेनाइजर है मेरे पास जो 2 साल पहले मैंने बनाया था, अभी भी ये वैसा का वैसा ही है। तो इसमें मैंने सारे दुपट्टे एंड स्टॉल को जो कि बाहर जाने के टाइम यूज होते हैं प्लेस करके रख दिया है। नेक्स्ट इस बास्केट में मैंने लेगिंग्स को अरेंज करके रखा है। ये वाला ऑर्गेनाइजर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। बाजू में ये जो रेड ऑर्गेनाइजर है इसमें मैंने सारे सॉक्स प्लेस कर दिए हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैंने पहले बनाया था तो इसमें मैंने सारे हैंकी एंड मास्क को प्लेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी काफी सारा स्पेस है जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हैंग करने वाले क्लोथ्स को हैंग कर दिया है। इस वाले स्पेस को आप अपने हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज करने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही सेक्शन में मेरे सारे क्लोथ्स अरेंज हो गए हैं बहुत ही आसानी से, जो कि लुक वाइज बहुत ही नीट एंड क्लीन है। साथ ही साथ क्लोथ्स को एक्सेस करना उतना ही इजी, हैंडी एंड कंफर्टेबल हो गया है। सो गाइज दैट वाज द वीडियो ऑफ माय 2 अलमीराज ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। If you really like my video, please hit the thumbs up button. In the future, if you want such informative videos, please consider subscribing to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you will get all the notification of my upcoming video. If you have any type of question and suggestion, then please ask. Let's meet in my new video. Till then, bye bye and take care.